नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में तलवार के धनी महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लघुघाती। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। यो जीत कर लौटे महाबली भोकाल का विकास नगर में भव्य स्वागत किया जा रहा था। विश्व रक्षक महाबली भोकाल की जय। अपने पराक्रम से तुमने विश्व भर में विकास नगर का जो गौरव बढ़ाया है, उसके लिए संपूर्ण विकास नगर सदा तुम्हारा आभारी रहेगा महाबली। क्षमा करें महारानी, ऐसा करके मैंने कोई उपकार नहीं किया है। विकास नगर मेरी कर्म भूमि है और अपनी कर्म भूमि के गौरव को बढ़ाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। तभी राजकुमार अंकित चहक उठा। मैं भी आप ही की तरह विश्व रक्षक बनूंगा भोकाल चाचा। जरूर, विकास नगर के भावी राजा को विश्व रक्षक जैसा पराक्रमी होना ही चाहिए। प्रसन्नता के उस वातावरण में अचानक विघ्न पड़ गया। ओह, ये क्या, एकाएक महल की दीवारों में ये कंपन कैसे होने लगा? ओह, मैं देखता हूं। अपने पंखों की सहायता से उड़कर द्रुत गति से बाहर की तरफ लहराया भोकाल। विशाल पर्वत श्रृंखला भी हमारी राह रोक पाने में सक्षम नहीं है दुष्टो। भड़ाक, फिर इस द्वार की क्या बिसात है? ओह, उसने महल का मुख्य द्वार तोड़ दिया। रोको उसे आगे बढ़ने से। कड़ाक, इस तूफान को रोकने के लिए सैनिक आगे बढ़े जरूर, लेकिन सफल नहीं हो पाए। हटो हमारे सामने से। उफ, आह, तिनको की तरह सैनिकों को उड़ा दिया उस तूफान ने, लेकिन फिर भी उसे रुकना पड़ा। भड़ाक, रुकता भी क्यों ना, उसके सामने आज जो खड़ा हुआ था वो महाबली, जिसमें हवाओं को रोकने का साहस और बल है। साधु सा वेश अवश्य है तुम्हारा, परंतु जो कार्य तुम कर रहे हो किसी शैतान के कार्य को भी मात कर रहे हैं, इसलिए ये शैतानी कार्य बंद करके आत्मसमर्पण। ओह, जिन हाथों से तूने हम पर प्रहार किया है दुष्ट, उन्हें अब तेरे शरीर का साथ छोड़ना होगा और तुझे मृत्यु का वरण करके छोड़ना होगा यह संसार। ओह, इसके दंड में अद्भुत शक्ति है, वज्र सा प्रहार कर रहा है ये। इसे इसके हाथों से छुड़ाना होगा। भोकाल ने अपने शक्तिशाली हाथों में वो दंड संभाल लिया, लेकिन ना वो दंड को संभाले रख सका और ना स्वयं को। तेरा काल तुझसे कुछ क्षणों के लिए आंख मिचौली अवश्य खेल रहा है दुष्ट, परंतु अंततः वो तुझे अपना ग्रास बनाकर ही रहेगा। इसका दंड पल प्रतिपल विनाशकारी होता जा रहा है, उसे अधिक समय तक छूट देना मूर्खता होगी। मुझे उसे तुरंत ही समाप्त करना होगा और उसके लिए मुझे पुकारना होगा। भड़ाक, भुकाल, पुकार कर अपने महागुरु का वो नाम भुकाल बन गया था उस तलवार का धारक जो ब्रह्मांड की हर शक्ति को काटने में सक्षम थी। तेरी प्रलयकारी दंड तो गया शैतान साधु। खटाक, ओह, अब अपनी गर्दन बचा। अब भुकाल की तलवार ने एक झटके से उसके धड़ को गर्दन से अलग कर देना था कि तभी गूंज उठी वो आवाज, भोकाल ठहरो, जिसे तुम शत्रु समझ रहे हो वे हमारे कुल गुरु महायोगी योगेश्वर हैं। रानी मोहिनी ने आगे बढ़कर अपने कुल गुरु के चरण पकड़ लिए। क्षमा कुल गुरु, क्षमा, अनजाने में भोकाल से जो भूल हुई है उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। तुम्हारे राज्य में हमारा घोर अपमान हुआ है महारानी। पहले सैनिकों ने हमें शत्रु समझकर रोकना चाहा और फिर अपनी शक्ति के मन में चूर इस दुष्ट ने हमें मृत्यु की गोद में पहुंचाना चाहा। क्षमा करें महात्मन, परंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं। आपके कार्यकलापों और विध्वंसक प्रवृत्ति ने मुझे ऐसा करने के लिए विवश किया। आपके साथ जो हुआ उसके लिए हमें अत्यंत खेद है कुलगुरु, कृपया भूल जाइए उसे और पधारने का कारण बताइए। हमारे क्रोध का कारण राजा विकास मोहन है। शिक्षा लेकर हमारा आश्रम छोड़ने से पूर्व उसने हमें गुरु दक्षिणा देने का वचन दिया था,
परंतु वो अपना अचन भूलकर यहाँ सुख चैन से रह रहा है। कहाँ है वो वचन भंगी, हमारे समक्ष बुलाओ उसे। उत्तर में रानी मोहिनी का आंख आंसुओं से भर गया और स्वर पीरा से, क्षमा करें कुलगुरु महाराज, अब इस संसार में नहीं रहे हम, उसे गुरु दक्षिणा मरने से पूर्व दे देनी चाहिए थी। तो आपका क्रोध व्यर्थ है कुलगुरु महाराज, आपको दक्षिणा देने आपके आश्रम गए थे, परंतु आप उस समय अनिश्चित अवधि के लिए तपस्या में लीन हो चुके थे। महाराज नहीं रहे तो क्या हुआ, आपकी गुरु दक्षिणा का ऋण हम चुकाएंगे। हम आपको वचन देते हैं, आप गुरु दक्षिणा में जो मांगेंगे आपको मिलेगा। हमने गुरु दक्षिणा ना ली तो महाराज की आत्मा इसकी ऋणी बनी रहेगी, इसलिए उनकी आत्मा को ऋण मुक्त करने के लिए हमें गुरु दक्षिणा लेनी ही होगी, और गुरु दक्षिणा में हमें चाहिए राजकुमार अंकित। वज्रपात से कम नहीं था महायोगी की वो मांग। राजकुमार अंकित, ये आपने क्या मांग लिया कुलगुरु, कृपया राजकुमार को छोड़कर कुछ और मांगिए। नहीं, हमें गुरु दक्षिणा में राजकुमार अंकित ही चाहिए, मात्र राजकुमार अंकित। महायोगी योगेश्वर अपनी मांग पर अटल थे, और चूंकि महारानी को महायोगी योगेश्वर की गुरु दक्षिणा देनी ही थी, इसलिए हमने आपको राजकुमार अंकित गुरु दक्षिणा में दिया कुलगुरु। नहीं महारानी, ऐसा मत कीजिए, नहीं भोकाल, हमें मत रोको, हम महाराज की आत्मा को ऋणी नहीं देख सकते भोकाल। कुछ ना कर पाने की विवशता साफ नजर आ रही थी भोकाल के चेहरे पर, जबकि महायोगी योगेश्वर के चेहरे पर नजर आ रहा था जमाने भर का प्रतिशोध। मात्र तेरे लिए ही मैंने राजकुमार अंकित को दक्षिणा में मांगा है भोकाल, क्योंकि मैं इसे अपना सारा अस्त्र शस्त्र ज्ञान अपना तपोबल देकर इसे तुझसे भी बड़ा महाबली बनाऊंगा, और फिर एक दिन इसे तेरे ही विरुद्ध खड़ा करूंगा, ताकि ये तेरे अस्तित्व को धूल में मिलाकर मेरे आज के अपमान का बदला ले सके, और ऐसा दिन शीघ्र अति शीघ्र आएगा भोकाल। प्रतिशोध की अग्नि में झुलसते महायोगी योगेश्वर अपने आश्रम की ओर चल दिए, और उनके कदमों के नीचे क्या अनर्थ हो रहा था, लेकिन राजकुमार अंकित उस अनर्थ से अनजान नहीं रहा। ओह, दूसरे क्षण वो भय से चीख पड़ा, अपने कदमों को रोक लीजिए कुलगुरु, वे बौने मानो आपके कदमों के आगे कूद कूद कर आत्महत्या कर रहे हैं। ओह, स्थिति का आभास पाते ही ठिठक कर रह गए ऋषि योगेश्वर, पीछे घूमे तो उनकी आंखों में आश्चर्य और आतंक का सागर लहरा उठा। ओह, कौन है ये बौने, और इन्होंने हमारे चरणों के नीचे कूद कर आत्महत्या क्यों कर ली? हमारा संसार दुष्ट शक्तियों ने उजाड़ दिया है महात्मन, और इस संसार में हम कहीं नहीं रह सकते, इसलिए मैंने और मेरे साथियों ने आपके पवित्र चरणों से मृत्यु प्राप्त करने का निर्णय लिया है। इस तरह कम से कम हमारी आत्माओं को मोक्ष तो प्राप्त होगा। द्रवित होता चला गया उस महायोगी का हृदय, सहानुभूति से लबालब भरे शब्दों में कह उठे वे, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसने तुम्हारा संसार नष्ट किया, हमें विस्तार पूर्वक बताओ। मेरा नाम गैठा है, मैं पृथ्वी के नीचे बसे उस संसार का राजा हूँ, जिसमें हम हजारों प्राणी सुखपूर्वक रहते थे। गैठा नामक वो बौना एक ही सांस में अपनी सारी व्यथा बताता चला गया। सब कुछ सुनकर क्रोध से अंगारे के भांति दहक उठी महायोगी योगेश्वर की आंखें। तुम्हारे साथ वास्तव में घोर अन्याय हुआ है, तुम्हें इसका प्रतिशोध अवश्य लेना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते महात्मा, महाबली भोकाल अत्यंत प्रलयकारी शक्ति है, इसलिए हम आत्महत्या करना चाहते हैं। नहीं, अब तुम्हें और तुम्हारे साथियों को आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है गैठा, आप तुम सब मिलकर उस दुष्ट का नाश करोगे, और इसमें तुम्हारी सहायता करेंगे हम तुम सब में भरेंगे ऐसा ज्ञान जिसके बल पर तुम्हारे छोटे छोटे शरीर शक्ति के विशाल से विशाल पर्वत को पलक झपकते ही धराशायी कर डालेंगे। ताकत जिसका नाम दिमाग में आते ही आंखों के सामने घूम जाते हैं, मजबूत कंधे, बलिष्ठ भुजाएं और हष्ट पुष्ट कदावर शरीर,
इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं, इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।